अगर तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया तो इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि तुमने कई वीडियोस देखे जिस पर तुम्हें कोई भी फायदा नहीं हुआ, देन इसके बाद तुमने इस वीडियो पर क्लिक किया। एंड दूसरा, तुम्हारा फर्स्ट टाइम मोबाइल लैग किया होगा एंड इसके बाद ही तुम लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे होगे। भाई मुंह की बात छील ली। सो देखो, सबसे पहले तुम लोगों को 3 कॉमन टिप्स मिलेंगे लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड इसके बाद तुम लोगों को 3 एडवांस टिप मिलेंगे जिसको करने के बाद 100% तुम लोगों का लैग फिक्स होगा। एंड जिसका मोबाइल सभी सेटिंग्स को करने के बाद भी लैग करेगा तो उसके लिए भी एक एक्स्ट्रा टिप होगा जो कि लास्ट पर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन टिप। टिप नंबर 1, स्टोरेज। सो सिंपली तुम लोग अपने फाइल्स एंड गैलरी से वैसे वीडियोस, फोटोज एंड ऐसे एप्स जो कि तुम्हारा कोई भी काम के नहीं है उसको सिंपली डिलीट कर दो। एंड अगर तुम लोगों का फ्री फायर बहुत ही ज्यादा लैग करता है तो तुम लोग अपने फ्री फायर के एक्सपेंशन पैक को डिलीट कर दो एंड विदाउट एक्सपेंशन पैक डाउनलोड किया ही गेम प्ले करो। टिप नंबर 2, ग्राफिक्स सेटिंग। देखो, अगर तुम लोगों का फ्री फायर लैग करता है एंड अगर तुम लोग अल्ट्रा पर गेम प्ले कर रहे हो तो इसको स्टैंडर्ड पर कर, एंड अगर स्टैंडर्ड पर करने के बाद भी लैग कर रहा है तो तुम लोग स्मूथ ग्राफिक्स पर कर लो। एंड अब बात करते हैं टिप नंबर 3, ऐप सेटिंग। सो सबसे पहले बात तुम लोगों को कॉमन चीज बताता हूँ, जैसे कि तुम लोग देखो गेम प्ले करते हो एंड नोटिफिकेशन आने पर लैग करता है। सो जिस ऐप का सबसे ज्यादा नोटिफिकेशन आता है उस ऐप के ऐप इन्फो पर जाने के बाद तुम लोगों को नोटिफिकेशन को ब्लॉक कर देना, एंड इसके बाद वैसे ऐप्स जो कि तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम के एंड उसको लोग डिलीट नहीं कर सकते। तुम लोगों को पता होगा कि अगर कोई ऐप को अगर तुम लोग इंस्टॉल कर रखते हो तो धीरे धीरे वो अपना स्टोरेज बढ़ाता रहता है एंड जिसके कारण लैग की प्रॉब्लम भी ज्यादा होने लगती है। सिंपली तुम लोग वैसे ऐप्स के डेटा को क्लियर करते रहना। डेटा क्लियर करने के लिए तुम लोगों को अपने सेटिंग्स पर जाना है एंड ऐप्स पर क्लिक करना है। ऐप्स पर क्लिक करने के बाद उस ऐप को सिलेक्ट करना है, देन इसके बाद तुम लोगों को स्टोरेज पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर तुम लोगों को नीचे मिलेगा क्लियर डेटा जिसको क्लिक करने के बाद ओके कर देना है। एंड अब बात करते हैं 3 एडवांस सेटिंग्स की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो सेटिंग नंबर 1, सिंपली तुम लोग अपने सेटिंग्स पर जाना है एंड डेवलपर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सो तुम्हें कुछ नीचे स्क्रॉल करना है, नीचे पर तुम लोगों को मिलेगा एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल जिस पर क्लिक करने के बाद तुम लोगों को एनिमेशन को ऑफ कर देना है। इससे तुम्हें ये फायदा होता है कि तुम्हारे डिवाइस पर जो भी एक्स्ट्रा एनिमेशन होते हैं वो बंद हो जाते हैं जिसके कारण लैग भी कम हो जाता है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सेटिंग नंबर 2, सिंपली तुम्हें फिर से सेटिंग्स पर जाना है एंड डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड जैसे ही तुम लोग नीचे स्क्रॉल करोगे तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा डोंट कीप एक्टिविटीज एंड जिस सेटिंग को तुम लोगों को ऑन कर लेना। देखो, अगर तुम लोग किसी भी ऐप को यूज करते हो चाहे तुम लोग उस ऐप को क्लोज भी कर देते हो बट वो बैकग्राउंड पर यूज होने लगता है, लेकिन जैसे ही तुम लोग इस सेटिंग को ऑन कर देते हो देन इसके बाद अगर तुम लोग किसी भी ऐप को यूज करते हो तो जैसे तुम लोग उस ऐप को क्लोज करते हो तो वो बैकग्राउंड पर वर्क होना ऑटोमेटिक बंद हो जाता है एंड इस कारण से इस सेटिंग से लैग की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। सेटिंग नंबर 3, सो सिंपली तुम लोगों को इस सेटिंग को करने के लिए फिर से डेवलपर ऑप्शन पर जाना होगा एंड जैसे ही तुम लोग नीचे स्क्रॉल करते हो तो तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट एंड जैसे ही तुम लोग इस पर क्लिक करते हो तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा नो बैकग्राउंड प्रोसेस जिस पर तुम लोगों को क्लिक कर देना एंड इससे भी तुम्हें वही फायदा होगा कि जितने भी फाइल्स है या फिर एप्स है या कोई भी डेटा है जो कि बैकग्राउंड पर वर्क हो रहा है वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे। एंड जिस प्लेयर्स के इन सेटिंग्स को करने के बाद भी लैग कर रहे हैं उसके लिए एक एक्स्ट्रा टिप भी है। सो सिंपली देखो, तुम लोगों को गेम खेलने से पहले क्या करना है, सेटिंग पर जाना है एंड एप्स पर क्लिक करना है एंड फ्री फायर पर क्लिक करने के बाद इसके पूरे डेटा को क्लियर कर देना एंड जैसे तुम लोग फ्री फायर का डेटा क्लियर करते हो तो ये एकदम न्यू ऐप बन जाता है जिसके कारण ये लैग बहुत ही कम होता है। एंड बात रही कस्टम एचयूडी की एंड सेटिंग्स की, वो तो तुम लोग फ्री फायर पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। देखो, अगर तुम लोग गेम खेलते समय मोबाइल बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है एंड इसकी भी ट्रिक मेरे पास है, अगर तुम लोगों को चाहिए तो कॉमेंट जरूर करना एंड सब्सक्राइब कर लेना।